पुअर माइंडसेट पीपल थिंक हाउ, रिच पीपल थिंक हु। पॉल की एक मेटल कंपनी है जिसका नाम है IBCC इंडस्ट्रीज और ये चाइना में बेस्ड थी, जहां से ये अपने ज्यादातर मेटल अमेरिका में बेचते थे। बट 2018 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका की कंपनीज चाइना से माल खरीदे, इसलिए उन्होंने कहा कि चाइना से जो भी सामान अमेरिका में आएगा उसे 25% इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब हुआ ये कि पॉल ये सुनकर डर गए, क्योंकि उनके सारे कस्टमर तो अमेरिका में थे और अगर वो चाइना से सामान नहीं खरीदेंगे तो फिर कहां से खरीदेंगे। उन्हें लगा कि इससे तो कंपनी को इतना लॉस हो सकता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। फाइनली इसका सोल्यूशन ये निकला कि पॉल को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट करनी पड़ेगी, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इंडिया में वो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे खोलेंगे। उन्हें तो इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पहले वो खुद से ये सवाल पूछ रहे थे कि मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे खोलूं। फिर उन्होंने खुद से एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा कि कौन मेरी हेल्प कर सकता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए। पॉल के सामने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने के लिए तीन चैलेंजेस थे। पहला, इंडियन सरकार की परमिशन लेना। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए जमीन खरीदना। और तीसरा, एक अच्छा स्टील सप्लायर ढूंढना। इन तीनों सवालों का आंसर उन्होंने हु नॉट हाउ से दिया, यानी मैं इस काम को खुद नहीं करूंगा बल्कि मुझे वो इंसान ढूंढना है जो मेरी इन तीनों चीजों में मदद कर पाए। और इसीलिए पॉल ने अपने एक इंडियन फ्रेंड के साथ कनेक्ट किया, जिसके थ्रू वो एक मेजर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से मिले, जिन्होंने पॉल को प्लॉट की एक लिस्ट बना के दे दी और पॉल ने कुछ ही दिनों में उस लिस्ट में से एक प्लॉट सिलेक्ट करके उसे खरीद भी लिया। इसके बाद पॉल ने एक इंडियन सप्लाई कंपनी के रिटायर्ड प्रेसिडेंट को एज अ कंसल्टेंट हायर कर दिया और उनके एक्सपीरियंस की मदद से सिर्फ कुछ ही दिनों में पॉल को बेस्ट क्वालिटी सप्लायर्स मिल गए। अब इमेजिन कीजिए कि अगर हम पॉल की जगह होते और अगर हम दूसरी कंट्री में खुद के एफर्ट से प्लांट एस्टेब्लिश करने जाते तो उसमें शायद हमें कई साल लग जाते और इवन तब भी हम एक बेस्ट क्वालिटी का प्लांट सेटअप वहां पर नहीं कर पाते। बट पॉल ने खुद से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन पूछा, जो कि था हु नॉट हाउ, यानी उन्होंने अपने लिए ऐसे हु ढूंढे, ऐसे इंसान ढूंढे जो उनकी इस काम में मदद कर सकते थे। और इसीलिए सिर्फ 5 महीनों में उन्होंने इंडिया में एक प्रोडक्शन प्लांट स्टार्ट कर दिया और सिर्फ 18 महीने के अंदर उनकी कंपनी का 25% रेवेन्यू इंडिया से आ रहा है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट पीपल फोकस ऑन इंक्रीजिंग रिजल्ट्स एंड नॉट एफर्ट्स। ये स्टोरी है रिची की, जिसने 16 साल की एज में डिसाइड किया कि वो कहीं जॉब करेगा। रिची एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उसने अपने डैड से कहा, पापा मैं खुद के पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मैं उन्हें जहाँ चाहूँ वहाँ पर खर्च कर सकूँ। इस पर उसके डैड ने कहा, ये तो एक अच्छी बात है, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, लेकिन फिर तुम करोगे क्या। इस पर रिची बोला कि मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है और वो मुझे एक किराने की दुकान में जॉब लगवा देगा। बट रिची के डैड समझदार थे, उन्हें पता था कि उनका बेटा सिर्फ मेहनत पर फोकस कर रहा है, ना कि रिजल्ट्स पर। इसलिए उन्होंने रिची को ये करने से मना कर दिया और उसे कुछ पैसे देके सजेस्ट किया कि वो शहर के आसपास के जो वाटरमेलन फार्म्स हैं, यानी तरबूज के जो खेत हैं, वहाँ पर जितने भी टेढ़े मेढ़े तरबूज हैं उन्हें जाके खरीद ले और उसको लोगों को बेचे। अब ऐसे टेढ़े मेढ़े तरबूज को कोई खरीदता नहीं था, इसलिए जो वहाँ पर किसान थे वो अल्टीमेटली इसे फेंक ही देते थे। इसलिए रिची को ये सारे तरबूज काफी सस्ते प्राइस पर मिल गए। वापस आकर रिची ने लोकल फोन बुक में लिखे नंबर्स में कई पोटेंशियल बायर्स को कॉल करना स्टार्ट कर दिया और उनसे कहा कि मेरे पास काफी टेस्टी, फ्रेश और डिलीशियस तरबूज हैं। हाँ, ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, बट सुपर मार्केट में जिस कीमत पर आपको ये मिलेंगे उससे ये काफी सस्ते हैं। इसके कुछ ही घंटों के बाद रिची जो ट्रक भरकर तरबूज लाया था वो सारे तरबूज बिक चुके थे और सिर्फ कुछ ही घंटों में रिची ने इतने पैसे कमा लिए थे जितना वो कई महीनों तक किराने की दुकान में काम करके नहीं कमा सकता था। इस स्टोरी में रिची का गोल था पैसे कमाना और जहां पर रिची इसके लिए एफर्ट्स को इंक्रीज करने पर फोकस कर रहा था और कई महीने काम करने के लिए तैयार था, वहीं उसके डैड एक एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने उनको सबसे कम एफर्ट्स में सबसे ज्यादा रिजल्ट अचीव करने का तरीका सजेस्ट किया और क्योंकि अब रिची रिजल्ट पर फोकस था ना कि प्रोसेस पर, और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट की वजह से रिची ने सिर्फ कुछ ही घंटों के एफर्ट से मैक्सिमम अर्निंग अचीव करी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि रिच माइंडसेट पीपल वैल्यू टाइम। ये स्टोरी है काल की, जो कि शुरू में तो म्यूजिशियन बनना चाहते थे पर अपने पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से उन्होंने एक मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली। शुरू में तो वो इस काम में बहुत बोर हो रहे थे, लेकिन जब काल को एक टूरिज्म इंडस्ट्री में काम मिला तो उन्हें ये काम अच्छा लगने लगा और उन्होंने डिसाइड किया कि अगर काम करना ही है तो वो खुद की एक कंपनी खोलेंगे। 2013 में उन्होंने खुद की एक टूरिज्म कंपनी खोली। कई महीनों तक उन्होंने रात दिन काम किया और कई सारे कस्टमर्स के साथ एक नेटवर्क भी बना लिया, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे आने लग गए थे। काल को रियलाइज हुआ कि अगर उन्हें अपना बिजनेस और ज्यादा बड़ा करना है तो उन्हें ऑनलाइन आना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। इसके लिए काल खुद वेबसाइट बनाने लग गए और कई महीनों तक काल पूरी रात जाग ताकि वो कोडिंग सीख कर एक अच्छी वेबसाइट बना पाए। बट लास्ट में वो काफी ज्यादा थक गए थे और उन्होंने रियलाइज किया कि वेबसाइट बनाने के चक्कर में
वो अपनी कंपनी का मेन काम निग्लेक्ट कर रहे हैं और अपने समय को वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। बट लास्ट में वो काफी ज्यादा थक गए थे और उन्होंने रियलाइज किया कि वेबसाइट बनाने के चक्कर में वो अपनी कंपनी का मेन काम निग्लेक्ट कर रहे हैं और अपने समय को वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं। फाइनली थक हार के वो एक वेब डेवलपर के पास आए और उनसे वेबसाइट बनाने की कॉस्ट पूछी। वेबसाइट की कॉस्ट पूछने पर वो शॉक रह गए। इस पूरी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट को बनाने का वो सिर्फ 1200 पाउंड चार्ज कर रहा था, जो कि काल के लिए एक बहुत ही छोटा अमाउंट था, और इस अमाउंट को बचाने के लिए वो कई महीनों की नींद, हेल्थ और अपनी प्रोडक्टिविटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। काल को एहसास हुआ कि वो अपने टाइम को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। लाइफ के इस स्टेज में उनके एक दिन की वैल्यू 1200 पाउंड से ज्यादा थी, लेकिन इसी वेबसाइट के चक्कर में वो महीनों बर्बाद कर चुके थे। इसके बाद वो अपनी लाइफ में एक के बाद एक और चेंज लाने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी सेल्स टीम को मैनेज करने के लिए खुद की जगह एक मैनेजर को 1,20,000 पाउंड की सैलरी पर हायर कर लिया, और इसके ठीक एक साल के बाद ही कंपनी का प्रॉफिट 25% से इंक्रीज हो गया और उन्होंने $2.5 million के प्रॉफिट किए, जो कि इस मैनेजर की सैलरी से बहुत ज्यादा था। इसके साथ ही काल ने यह भी रियलाइज किया कि अगर वो 7-8 साल पहले ही इस मैनेजर को नौकरी दे देते तो वो 14-15 million पाउंड बना सकते थे, और साथ ही में उनकी कंपनी काफी बड़ी भी होगी होती। तो इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि हमें भी रियलाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी किसी जगह पर माइंडलेसली हार्डवर्क करी जा रहे हैं जहां पर हम किसी और की हेल्प ले सके और उसी टाइम को कहीं और यूज करके अपनी लाइफ में ज्यादा रिटर्न ले सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिच पीपल डोंट कम्पीट, दे कोलैबोरेट। ऑथर की एक क्लाइंट है जिनका नाम है किरण, जो कि पिछले 10 सालों से ट्राई कर रही थी अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर एक बायोग्राफी लिखने की, क्योंकि उनकी दादी अमेरिका में काफी फेमस थी और वो सिविल राइट एक्टिविस्ट थी, और वो जानती थी कि बहुत से लोग उनकी स्टोरी को सुनना चाहते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, किरण को कोई एक्सपीरियंस नहीं था बुक लिखने का। हालांकि वो कई सालों से काफी ज्यादा एफर्ट इसमें दे रही थी, पर उनकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। अब क्योंकि वो एक लॉयर भी थी, जिसकी वजह से वो इतनी बिजी रहती थी कि उनके पास टाइम ही नहीं बचता था अपनी दादी की बायोग्राफी लिखने के लिए। बट फिर उनको एक दिन कॉल आया और वो सोच में पड़ गई। कॉल की दूसरी साइड पर एक फेमस ऑथर और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की हिस्ट्री प्रोफेसर डॉक्टर एथलीन थी। एथलीन ने बताया कि वो भी किरण की दादी के ऊपर एक बायोग्राफी लिख रही है और वो ऑलरेडी इसके ऊपर 100 pages लिख चुकी है, और उन्हें इनफैक्ट किरण से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उनकी दादी के बारे में, ताकि वो इस बायोग्राफी को कम्प्लीट कर सके। शुरू में किरण इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं अपनी दादी की सारी स्टोरीज इसे बता दूंगी तो ये मुझसे पहले ही मेरी दादी की बायोग्राफी पब्लिश कर देंगी। किरण ने जब इस प्रॉब्लम को ऑथर को बताया तो ऑथर ने किरण को डॉक्टर एथलीन के साथ कम्पीट नहीं बल्कि कोलैबोरेट करने का सजेशन दिया। उन्होंने कहा, देखो तुम्हें भी पता है कि अकेले तो तुम इस बुक को अगले 5 साल क्या अगले 10 साल तक कंप्लीट नहीं कर सकती। डॉक्टर एथलीन बहुत अच्छे ढंग से स्टोरी बता सकती है और तुम्हारे पास अपनी दादी की सारी लाइफ स्टोरीज हैं जो तुम उन्हें ऑडियो की फॉर्म में दे सकती हो, तो बेटर है कि तुम उनके साथ कंप्लीट करने के बजाय उनके साथ कोलैबोरेट करो और दोनों साथ मिलकर ये बुक कंप्लीट करो। किरण अब तक हाउ पर फोकस कर रही थी, यानी वो ये सोच रही थी कि वो खुद इस बुक को कैसे लिखे। वो खुद इस काम पर इतना ज्यादा एफर्ट दे रही थी कि वो अपना लॉयर वाला काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर फाइनली किरण ने हु पर फोकस किया, यानी कि डॉक्टर एथलीन के साथ कोलैबोरेट करने पर फोकस किया, जिससे हुआ ये कि ये बुक एक ही साल में कंप्लीट हो गई और बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया, क्योंकि डॉक्टर एथलीन की वजह से इसका जो राइटिंग स्टाइल था वो भी बहुत अच्छा था, और किरण की वजह से उनकी दादी के बारे में नई नई स्टोरीज लोगों को पता चली। इसके ऑपोजिट अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो कुछ दिन पहले बैंगलोर में हमारे सामने एक स्टार्टअप के 2 co-founders इतने बुरे तरीके से सिर्फ इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनमें से एक को कंपनी के 55% चाहिए थे, यानी दूसरे से 5% ज्यादा। मेन बात तो यह है कि अगर एक को फाउंडर इस बात के लिए मान भी लेता तो स्टार्टअप तो कम से कम 10 साल तक चलते हैं, और दूसरे के मन में ये 5% वाली बात हमेशा रहती और मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्टअप बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा, और यही है पुअर माइंडसेट की निशानी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रिच माइंडसेट पीपल डिफाइन देयर गोल्स एंड कम्युनिकेट इट टू अदर्स। 1980s में लार्स नाम का ये लड़का कैलिफोर्निया में एक हाई स्कूल ज्वाइन करता है। लार्स बहुत ही ज्यादा शर्मीला और इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था, लेकिन उसे ड्रम बजाना बहुत अच्छा लगता था। लार्स जिस तरीके के कपड़े पहनता था उसके स्कूल वाले उस पर बहुत हंसते थे। लार्स चाहता था कि उसके कुछ म्यूजिशियन दोस्त बने जिसके साथ वो नए टाइप के म्यूजिक बना पाए, बट अनफॉर्चुनेटली लार्स को एक भी ऐसा इंसान नहीं मिल रहा था जो उसके साथ कोलैबोरेट करना चाहता था। इसलिए लार्स ने क्या किया कि वो एक न्यूज़पेपर एजेंसी में गया जिसका नाम था द रीसाइक्लर, और वहां जाकर उसने एक एड छपवाई। एड में उसने लिखवाया कि मैं एक ड्रमर हूं और मुझे ऐसे म्यूजिशियन चाहिए जो मेरे साथ मिलकर म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हूँ। इस एड का रिप्लाई सिर्फ एक लड़के ने किया जिसका नाम था जेम्स। अब जेम्स भी लार्स की तरह बहुत ही शर्मीला था, और शुरू में तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आई कॉन्टैक्ट भी नहीं बना पाते थे, बट फाइनली धीरे धीरे ये बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि दोनों म्यूजिक से बहुत प्यार करते थे।
और इसीलिए आगे चलकर इन्होंने मेटेलिका नाम का एक लेजेंडरी ब्रांड बनाया जिसकी आज तक 10 करोड़ से भी ज्यादा एल्बम बिक चुकी है। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग यह है कि लार्स की तरह हमें भी दो चीजें करनी है। पहला, उन्होंने अपना एक क्लियर गोल डिफाइन किया जो कि था दूसरे म्यूजिशियन के साथ कोलैबोरेट करना, और दूसरी लर्निंग यह है कि उन्होंने अपने गोल को क्लियरली कम्युनिकेट किया, यानी न्यूज़पेपर में ऐड दिया और साफ साफ लिखा कि वो एक ड्रमर है और उन्हें एक और म्यूजिशियन साथ में चाहिए। अगर लार्स ने ऐसा नहीं किया होता तो कभी भी जेम्स उन्हें नहीं मिलते और इसीलिए मेटेलिका बैंड कभी भी नहीं बनता। ये सारी स्टोरीज हम आपको डॉक्टर बेंजामिन हार्डी की बुक हु नॉट हाउ से बता रहे हैं, जिसकी बहुत ही डिटेल्ड समरी हिंदी में हम बना चुके हैं और कुछ ही दिनों में इसका वॉइस ओवर करके हम गीगल एप्लीकेशन में डाल देंगे और गीगल में आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। तब तक आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद हम आपको 200 बुक समरीज जिसकी कॉस्ट 40,147 रुपए है वो एट नो कॉस्ट दे देंगे। अगर आप बुक्स में और लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो इस ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आपको इस बुक से रिलेटेड मैं दो और अमेजिंग स्टोरीज बताता हूँ। देखो, ये बुक लिखने के बाद डॉक्टर बेंजामिन हार्डी चाहते थे कि इस बुक को वो बहुत प्रमोट करें। इसके लिए हर रोज वो ऑलमोस्ट 7 घंटे सारे पॉडकास्टर्स को मेल करते, पॉडकास्टर के असिस्टेंट से बात करते और फाइनली पॉडकास्ट देते। अब होता यह था कि मीटिंग मैनेज करने के बाद जब एक्चुअल में वो पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते तो वहां वो इतना थका हुआ महसूस करते थे कि वो अच्छा सा आंसर भी नहीं दे पाते। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं जिस कॉन्सेप्ट पर बुक लिख रहा हूँ उसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो सबसे पहले उन्होंने हु क्वेश्चन पूछा, यानी कौन मेरी इस काम में मदद कर सकता है, और उन्हें एक फ्रेंड का नंबर मिला जिसे जॉब चाहिए थी। हार्डी ने उसे अपना असिस्टेंट बना लिया और कहा कि अगर तुम मुझे इस साल 500 पॉडकास्टर से मिलवा दोगी तो मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस पे कर दूंगा। इससे वो बहुत खुश हो गई और उसने ऑलमोस्ट 527 पॉडकास्टर का एक ही साल में हार्डी के साथ मीटिंग फिक्स करवा दी, जिससे ये बुक बहुत ही फेमस हुई और अमेज़न में आज इस बुक को 4.7 स्टार की रेटिंग मिली है। इतना ही नहीं, इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बुक का आइडिया एक्चुअल में बेंजामिन हार्डी का नहीं था बल्कि डैन सुलिवन का था, जो कि एक बिजनेस कोच है और बिजनेस ओनर को वो यही कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। तो उन्होंने ये बुक खुद नहीं लिखी, उन्होंने अपने लिए हु ढूंढा जो कि थे डॉक्टर बेंजामिन हार्डी, और उन्हें कन्विंस किया कि तुम मेरे लिए बुक लिखो और उनसे कहा कि ये बुक बेस्ट होनी चाहिए, इस बुक में हम दोनों का नाम होगा और ये बुक जितने भी पैसे कमाएगी वो तुम रखना। यानी बेंजामिन हार्डी डैन सुलिवन के हु थे और इसमें इन दोनों का फायदा हुआ। डैन सुलिवन की बुक पढ़ के बहुत से बिजनेसमैन उनके पास कोचिंग लेने आए और बेंजामिन हार्डी एक और बेस्ट सेलर बुक के ऑथर बन गए, जिससे उन्हें अभी भी हर बार बुक बिकने पर कमीशन मिलती है। इन कंक्लूजन, इस वीडियो में हमने टोटल ये 5 लर्निंग देखी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था कि पुअर माइंडसेट पीपल थिंक हाउ रिच पीपल थिंक हु, जिसमें हमने पॉल की स्टोरी देखी थी कि कैसे चाइना की जब इम्पोर्ट टैक्स ड्यूटी अमेरिका में बढ़ गई थी तो उन्होंने कितनी जल्दी इंडिया में प्लांट खोल दिया, और वो सिर्फ हुआ हु की वजह से, नॉट हाउ की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट था कि फोकस ऑन इंक्रीजिंग रिजल्ट्स एंड नॉट एफर्ट्स, जिसमें हमने रिची की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने तरबूज बेच के ज्यादा पैसे कमाए एज कम्पेयर टू अगर वो किराने की शॉप में काम करते। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि रिच माइंडसेट पीपल वैल्यू टाइम, जिसमें हमने काल की स्टोरी देखी कि कैसे शुरू में तो पहले वो खुद वेबसाइट बनाने लगे थे लेकिन बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इस मूवमेंट पर मेरे लिए ये बेस्ट रहेगा कि मैं किसी को हायर करूँ ये वेबसाइट बनाने के लिए। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि डोंट कम्पीट कोलैबोरेट, जिसमें हमने ऑथर केरन की स्टोरी देखी कि कैसे उन्होंने डॉक्टर एथलीन के साथ मिलकर अपनी दादी की बायोग्राफी लिखी, और फाइनली हमने सीखा कि डिफाइन योर गोल्स एंड कम्युनिकेट इट टू अदर्स, जिसमें हमने देखा कि कैसे मेटेलिका ब्रांड बना सिर्फ इसीलिए क्योंकि लार्स ने बहुत ही क्लियरली न्यूज़पेपर में कम्युनिकेट किया कि वो एक ड्रमर है और उन्हें एक म्यूजिशियन चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलेगा, और हाँ, गीगल एप्लीकेशन को डाउनलोड मत भूलेगा। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।